गाइस, ये पार्ट इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा और इस वीडियो में आपको सभी राज पता चल जाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन है बहुत जबरदस्त, इसीलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। अभिमन्यु, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया और अब मेरे पास कुछ खोने के लिए भी नहीं है। पहले यश भैया और डैड और फिर इस बार मेरा प्यारा दोस्त अभिमन्यु। अभी तो बरमुडा छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन याद रखना, बदला जरूर लूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी अभिमन्यु, जरूर मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे बरमुडा में अभिमन्यु, तेरा अंत भी जल्द ही होगा। टैक्सी, रुको रुको रुको। हाँ साहब, बोलिए। मुझे परगेटरी जाना है इसलिए मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। तुम तो कबीर हो ना? हाँ हूँ, पर तुमको कैसे पता? नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे मार खाना है क्या अभिमन्यु सेठ से? जाओ, तुम पैदल जाओ, मुझे माफ करो। अभिमन्यु से डरते हो? छे, जो समझना है समझो, पर मैं नहीं ले जाने वाला हूँ। डरपोक। अभिमन्यु सेठ, कबीर का पता चल चुका है, लगता है वो परगेटरी जा रहा है। पक्की खबर है ना? अरे 101% पक्की खबर है, कबीर परगेटरी जाने के लिए निकल पड़ा है। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, शाबाश। अरे अरे, ये तो मेरा फर्ज था अभिमन्यु सेठ। कबीर तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर इस बार मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। चिंता मत कर, आ रहा हूँ परगेटरी तेरा खेल खत्म करने के लिए। इतनी भी जल्दी किस बात की है कबीर, जरा हमसे भी मिल लो, हमें भी अपनी खातिरदारी का थोड़ा मौका दो। तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकते हैं कबीर, अभी मेरा बदला बाकी ही है। किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम? तेरे भाई ने मेरे डैड को मारा, उस बात का। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मानो या ना मानो पर यही सच है। ये तो अभिमन्यु है ना, पर ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? फिर किसी को धमका रहा होगा ये कमीना। ऐसा है तो फिर आज हम इसे धमकाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। अभिमन्यु, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। कृष्णा, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लोगों को डराना कोई काम नहीं होता है। कृष्णा, पहले से ही तेरे कारण मेरा परगेट्री का कोई काम नहीं हो पा रहा है, बता रहा हूँ, बार बार मेरे काम के बीच में मत आया करो। चुपचाप यहाँ से निकलो, और अगर तुम नहीं गए तो इसका अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। तुझे बर्बाद कर दूंगा कृष्णा, याद रखना इस बात को। पहले निकल। आखिर ये तुम्हें क्यों धमका रहा था? नहीं बस कुछ फालतू का पंगा हो गया था इसीलिए। हाँ, ये तो फालतू के पंगे लेते ही रहता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। यहाँ तुम नए हो? हाँ नया हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। थैंक यू कृष्णा मेरी मदद करने के लिए। कबीर, अभिमन्यु तेरे पापा को मार करके बरमुडा का बहुत बड़ा डॉन तो बन ही गया था, पर साथ साथ वो मेरा भी दुश्मन है। अभिमन्यु यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो है पर वो उस लायक नहीं, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पर उसने बिजनेस के लिए मेरे मॉम डैड को मार दिया, ये उसने बहुत गलत किया। अभिमन्यु की दुश्मनी तुमसे भी है मुझसे भी है, यानी वो हम दोनों का दुश्मन है, इसीलिए हम दोनों दोस्त हुए और हम दोनों मिलके उसे बर्बाद कर देंगे। इसके आगे तो आपको पता ही है किस तरह अभिमन्यु ने कबीर को किडनैप किया और उसे जान से मार दिया। पैसों के लिए अभिमन्यु ने कृष्णा के माँ बाप को भी मार दिया और उसके साथ साथ उसके दोस्त कबीर को भी। लेकिन कृष्णा भी कितना सहता, आखिरकार कृष्णा को हथियार उठाने पड़े और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। कृष्णा ने कबीर का भी बदला पूरा किया और खुद का भी। इसी तरह इस सीरीज का अंत होता है, लेकिन नेक्स्ट सीरीज जल्द ही आ रही है और वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी कि आपको देखने का मजा ही आ जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।